नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर हिरण बैजनौर। वर्ष 2024 की तीसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के संबंध में जानकारी देने के लिए एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। दमोह जिला मुख्यालय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सभाकक्ष में प्रधान न्यायाधीश आनंद कुमार तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए, समाज में शांति सद्भाव स्थापित करने के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे विशेष न्यायाधीश उदय सिंह वरावी, जिला न्यायाधीश धर्मेश भट्ट और जनसंपर्क अधिकारी वायु कुरैश थी। 14 सितंबर 2024 को इस वर्ष पुनः राष्ट्रीय लोक अदालत है। पूरे देश में ये लोक अदालत आयोजित की जाती है और न्यायपालिका में ऐसे प्रकरण जो राजीनामा योग्य होते हैं उन प्रकरणों को लोक अदालत में विचारार्थ रखा जाता है। पक्षकारों ये सभी पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर के भी अपने प्रकरणों को लोक अदालत में रेफर करने के लिए आवेदन दे सकते हैं मौखिक या लिखित। सर, कितनी खंडपीठें बनाई जाएंगी और कब आयोजन होगा? पूरे जिले में 22 खंडपीठ का निर्माण किया जा रहा है और हेडक्वार्टर यानी दमोह में, जिला दमोह में लगभग 12 खंडपीठ। लोक अदालत को लेकर के आमजन बहुत जागरूक है, वो चाहते हैं लोक अदालत में उनके प्रकरणों का निराकरण हो क्योंकि इन्हें छूट बहुत प्राप्त होती है। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जैसे किसी किसान का या किसी व्यक्ति का 1,00,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है, लोक अदालत में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के कारण वो अपने 20-30 हज़ार रुपये बचाने में सफल होते हैं। 60-70 हज़ार रुपये लगभग वो पटा करके अपना प्रकरण समाप्त कर लेते हैं। सर, आपकी तरफ से क्या अपील होगी आम जनमानस के लिए? मैं आम जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि लोक अदालत को राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाएं और बढ़ चढ़ के न्यायालय में आकर अपने प्रकरणों में राजीनामा कराएं, क्योंकि हमारे समाज की यह संस्कृति रही है सदियों से कि हम लोग सुलह से अपने विवादों का निराकरण करते हैं। नालसा, सालसा और डालसा के संयुक्त प्रयास से ये नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी यह तीसरी नेशनल लोक अदालत है जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। आपस में समझौता करेंगे और अदालतों पर बढ़ते बोझ को कम करेंगे।